92.7 Big FM पर Big Heroes. वो गाना सुना ना आपने, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी. लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों की तकदीर बदलने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं. कैसे? उन छोटे छोटे मासूम हाथों में काम थमाकर, उन बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके उनकी तस्करी कर, उनको ऐसे ऐसे घिनौने काम में लगाकर जिन कामों को कोई नहीं करना चाहेगा. लेकिन अगर समाज में ऐसे अपराधी हैं तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो इन बच्चों की तकदीर को संवारने में लगे रहते हैं, इन बच्चों को बाल मजदूरी के अंधकार से, दलदल से निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें बचाते हैं और उनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लाते हैं. और ऐसे ही लोग बनते हैं मेरे बिग हीरोज. बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो हैं झारखंड के बैद्यनाथ जी. बैद्यनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिग हीरोज में. थैंक यू मैम कि आप हम जैसे छोटे लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जगह दे रहे हैं इसके लिए. अरे बैद्यनाथ जी, आप जैसे लोग कैसे छोटे हो सकते हैं जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं. मैं चाहूंगी कि आज आप खुद सबको, हमारे लिसनर्स को अपने काम के बारे में बताएं थोड़ा, क्या करते हैं आप? मैं बच्चों को अधिकार के लिए, जैसे वो बाल मजदूरी में रहते हैं, बच्चों को मानव तस्करी की जाती है, जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं ऐसे बच्चों को छुड़ाने का काम करता हूँ, उसको उसको परिवार से मिलाने का काम करता हूँ. और इस धंधे में जो तस्कर है उसको मैं पुलिस से पकड़वाने का काम कर रहा हूँ. 18 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में मैंने दिया सेवा संस्था एनजीओ गठन किया था और उसके बाद मैं इंडिविजुअली बस चल रहा के तौर पे काम कर रहा हूँ. झारखंड के विभिन्न विभिन्न गांवों से मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ से बहुत सारी लड़कियां लापता है जो कि महानगरों में काम करने गई है और उनका कंप्लेंट थानों में दर्ज नहीं होते थे. तो मैंने उसका सहारा लिया और उनके माता पिता को जाकर के मुलाकात किया और उनकी FIR दर्ज कराई और उनको जो जितने बच्चे मिसिंग थे उन सबको वापस लाने की, उसके तौर पर करीब 240 से ज्यादा हमने FIR दर्ज कराए हैं. कितने बच्चों को आप आज तक ट्रैफिकिंग से बचा चुके हैं? इसमें करीब अभी तक मैं 1500 बच्चों को रेस्क्यू करके उनको उनके परिवार से मिला पाया. वाकई सलाम है आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को बैद्यनाथ जी, जो आप इतने सालों से लगे हुए हैं और मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं. लेकिन मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि बैद्यनाथ जी की जिंदगी की शुरुआत खुद एक बाल मजदूर के तौर पर ही हुई थी. कैसे खुद एक चाइल्ड लेबर से वो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट बन गए, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है. कुछ घटा था इनकी जिंदगी में, बताऊंगी आपको अब से बस कुछ ही देर में. सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो झारखंड के रहने वाले हैं. इनका नाम है बैद्यनाथ. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते जो बच्चे लापता हो जाते हैं उन्हें उनके परिवारों से मिलाने की कोशिश करते हैं और इनकी जिंदगी की शुरुआत खुद एक बाल मजदूर के तौर पर हुई थी. बैद्यनाथ जी, मैं चाहूंगी कि आज अपनी आप कहानी हम सबके साथ शेयर करें कि कैसे आपके मन में ये बाल अधिकारों के लिए लड़ने का ख्याल आया. मैं 6 साल की उम्र से काम करने निकला था और बहुत सारे होटलों, ढाबों, गैरेजों में काम किया. तो मुझे नहीं पता था कि चाइल्ड राइट क्या होते हैं, बच्चों का अधिकार क्या होता है. तो उसी काम करते करते के दौरान मैं झारखंड का एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में चाय पिलाने का काम किया करता था, जहां पर कि बहुत IAS डिप्टी कलेक्टर्स उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. 2000 में JJ एक्ट आया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन करेगी. तो मैं चाय पिलाने जाता था तो उनको देखता था कि वो उनको पढ़ाते हैं, उनके टीचर जो आते थे. तो मैं पीछे की सीट पे जल्दी जल्दी चाय बांध के और पीछे सीट पे बैठ के उनको नोट करते जाता था. तो फिर हम लोग उनके मेट में जब काम करते थे, 14 से 15 छोटे छोटे बच्चे ही हम लोग थे जो उन्हीं को खाना बनाने का काम करते थे, उनकी सफाई का ध्यान रखते थे, उनको चाय पिलाते थे.
फिर जब मैं पूरी एक्ट को जब समझा तो मैं देखा कि जो लोग को पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों को अधिकार को हनन को रोकने के लिए, वही तो बच्चे का अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो मैंने ये इसको लेकर के सभी बच्चों को रात में बैठाया कि ये लोग ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं जहाँ, और ये हम लोग को मारते भी है, हमें डांटते भी है, हम इससे काम भी करवाते हैं, तो ये तो गलत है। तो फिर बच्चे ने बोला तो क्या करें, हम बोले कि कल से इन लोग को हम लोग खाना नहीं देंगे सुबह से। तो बोला हम लोग को निकाल देगा, कैसे निकाल देगा, हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो हमने सुबह को क्या किया कि इन लोग की खाने बंद कर दिए, चाय पिलाना बंद कर दिया एकदम। मैनेजमेंट वहाँ जो मेन ऑफिसर होते हैं वो बहुत बड़े आईएएस पदाधिकारी, उन्होंने आया, मैं उनको सामने अपनी बात रखा, बोले ठीक है हम बच्चों से काम नहीं कराएंगे। हमने सर अब काम नहीं कराएंगे, लेकिन हम 5 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि 18 साल को पार कर गए हैं, तो आप उनको हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे ये फिर। तो बोले बताओ तुम क्या चाहते हो, हम बोले कि सर 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं आपके यहाँ जो वैकेंसी है उसमें उनको रखिए, और छोटे बच्चे जो भी 18 से नीचे है लेकिन फिर भी 5 साल को, उनको एक जो मिनिमम वेज होता है वो तो दीजिए, 14 को पार है सभी बच्चे। तो उन्होंने इस बात को माना और पहली बार हम लोगों को मतलब मिनिमम स्केल के तहत वेतन मिलना शुरू हुआ, नहीं तो हमें 600-800 रुपए मिलते थे। तो जब आपने ये सब किया बच्चों के राइट्स के लिए, तो आपके खुद की क्या उम्र थी? मेरा उम्र 16 साल रहा होगा। इस पूरे प्रकरण और विरोध के बाद मैनेजमेंट ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। ओ, क्यों? इसलिए कि अगर मैं लगातार वहाँ काम करते रहता, अगर रहता तो फिर तरह तरह के राइट्स की बात करता, बच्चों के अधिकार की बात करता, तो इसलिए मैनेजमेंट ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और मैं अपना बाहर फिर से बेरोजगार हो गया और बाहर काम करने लगा। तो चलिए, एक बड़ा मुद्दा उठाने के बदले बैद्यनाथ जी को सजा ये मिली कि उनकी नौकरी चली गई और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इसके बाद इन्होंने बाल अधिकारों के लिए लड़ने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, लेकिन काम बहुत मुश्किल था क्योंकि बाल मजदूरों को छुड़ाने का मतलब है माफिया से टक्कर लेना। किन किन दिक्कतों का सामना किया बैद्यनाथ जी ने अपने इस काम में, पूछूंगी इनसे अब सिर्फ कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज़, मैं हूं आपके साथ रचना रुद्र। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। आप सुन रहे हैं बिग एफएम, मैं हूं आपके साथ रचना रुद्र, और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो बहुत ही नेक काम करते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां से छोटे छोटे बच्चों की तस्करी करके उन्हें दिल्ली, मुंबई और महानगरों में लाया जाता है काम पर लगाने के लिए, और जैसे ही वो काम पर लगते हैं उन बच्चों का बचपन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज जो मेरे बिग हीरो हैं बैद्यनाथ, वो झारखंड में बाल मजदूरी रोकने का काम करते हैं। जिन बच्चों की तस्करी हो जाती है, जो बच्चे लापता हो जाते हैं, उन्हें उनके परिवारों से वापस मिलाने का काम करते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है। बैद्यनाथ जी, 18 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आसान काम नहीं है, पूरा माफिया इसमें लगा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को गांव देहात से लेकर बड़े शहरों में लाया जाता है और अलग अलग तरह के कामों में लगाया जाता है, कुछ को घर के काम में, कुछ को शारीरिक शोषण भी होता है उनका, सेक्सुअल अब्यूज होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप एक बहुत बड़े माफिया से लड़ते आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं 18 साल में? ये जो पूरा तस्करी का जो सिंडिकेट होता है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिसमें कि उनको बहुत सपोर्ट होता है, बैक सपोर्ट, लेकिन हमारे पास सपोर्ट की बहुत कमी होती है। छोटे गांव के लोगों को महानगरों में ले जाता है, महानगरों में उन बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ी समस्याएं हमें होती है कि जब हम महानगरों में जाते हैं और वहाँ की आलीशान भवन, आलीशान लोग, आलीशान पावर वाले लोगों के पास उन बच्चों को निकालना बहुत समस्या का काम होता है, बहुत धमकी भी इन लोग देते हैं, लेकिन खासकर पुलिस का सहयोग मिलता है, पुलिस का सहयोग लेकर तो इसे बच्चों को मुक्त करा पाते हैं। कभी आप पर हमला हुआ, कुछ ऐसा भी हुआ कोई घटना? जी हाँ, इस सिंडिकेट में प्लेसमेंट एजेंसी, पुलिस और जैसे जो माफिया तत्व है उसमें हमारे यहाँ नक्सलिज्म ज्यादा है, नक्सलियों ने भी बहुत बार हमें धमकी दिया और बहुत बार हमला भी हुआ, मेरे ऊपर FIR हुआ, वो लोग सदर के साथ मुझे भी जेल जाना पड़ता है, कितना बार मेरे ऊपर हमला करवा चुके हैं उन लोगों ने। कभी लगता है क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्यों इतना सब मारपीट झेल रहा हूँ? कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों मैं ये सब करता हूँ, लेकिन फिर भी जब अकेले में रहता हूँ तो सोचता हूँ कि, क्योंकि रोज मेरे पास कोई ना कोई गार्जियन आते हैं कि मेरे बच्चे इतने साल, तो मैं सोचता हूँ कि वो बच्चा किस स्थिति में होगा, और जब उसका दर्द को मैं अपने दर्द से बचपन से मिलाता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कैसे उस बच्चे को वहां से मुक्त कराऊं मैं।
और यही जज्बा की यही मुझे काम करने की एक प्रेरणा मिलता है कि मैं उस हर जो भी बच्चा कैद में रहता है उसमें अपना बचपन देख रहा हूँ। मैं किस तरह से काम किया हूँ, अपना बचपन काम करने की वजह से मैंने खो दिया। काश कि हम सब लोग भी ये सोच पाए कि जैसे हम अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, ऐसे इस देश के हर बच्चे को रखा जाए और किसी बच्चे का बचपन इस तरह से बाल मजदूरी की भेंट न चढ़े। क्या हम और आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? पूछूंगी बैद्यनाथ जी सबसे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रचा नेहरू। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। और आज मेरे बिग हीरो हैं झारखंड के रहने वाले बैद्यनाथ, जो बाल मजदूरी को रोकने और तस्करी किए हुए बच्चों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं पिछले 18 साल से। बैद्यनाथ जी, आज आप हमारे सारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप महानगरों में रहते हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके घरों में जो काम करने वाले लोग आते हैं दिल्ली मुंबई महानगरों में, वो छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, कृपया आप जरूर ध्यान दें कि वो 14 साल से नीचे का नहीं हो और वो कैसे आया है आपके पास काम करने के लिए। उसके माँ बाप को पता है कि नहीं, वो भाग के तो नहीं आया, इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं लेकर के आया। इसकी पड़ताल करने के बाद ही आप उनको काम पे रखें और उनको इनके संबंधित नजदीक के पुलिस थाने में लेके गए और इस तरह बचपन को आप लोग सुरक्षित कर पाएंगे। जी, आपकी इस लड़ाई में अगर कोई आपका साथ देना चाहे तो आपको किस किस तरह से मदद की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा मैं आपको रिचा जी बताऊं कि जब मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इस सब चीजों में, जब मैं यह कार्यक्रम मीडिया, पुलिस, दूसरे स्टेट के एनजीओ, सोशल वर्कर, इन सभी का सहयोग मुझे मिलता है और मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, इसके लोग बहुत अवेयर होते हैं और वो केस को लाते हैं फिर पुलिस तक, उनके बच्चे वापस आते हैं। समाज से हम यही सहयोग करेंगे कि जो भी इस तरह के बच्चे आपके सामने आते हैं उसको अपना बच्चा समझिए कि वह भी किसी का बच्चा है, वह भी किसी का बेटा है जो कि अपने माँ बाप से दूर है और उसके ऊपर जो यातना हो रहा है, और अगर आपके बच्चे पर यह यातना हो आपको कितनी तकलीफ होगी, तो उसको अपने बच्चे समझ के उसको सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाए और या उन्हें संरक्षित करें। आपकी लड़ाई में कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे जुड़ें? आप हमें कॉल कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे, ज्यादातर फेसबुक पे मुझे बैद्यनाथ कुमार के नाम से सर्च करके आप मुझे मिल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9835339455। आप इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835339455। ठीक है वैद्यनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे बिग हीरो बनने के लिए। धन्यवाद गीता जी। मुझे लगता है आज वैद्यनाथ जी की बातें सुनकर हम सबको रुक कर ये सोचना होगा कि हमने जिन लोगों को अपने घर में काम पर लगाया है वो कौन है, उनकी उम्र क्या है और कहीं वो बाल मजदूर तो नहीं है जिन्हें तस्करी करके उनके माता पिता से अलग किया गया है। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करना चाहिए। इसी के साथ आज रचा अनुरोध को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बिग हीरो की इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़।